हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तनिष्क कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेकर आया हूं, जो ट्रिक के थ्रू मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं, आपकी रेलवे हो या पी ए इसका एसएससी का हो या फिर बैंकिंग का हो या अभी आने वाली कॉन्स्टेबल परीक्षा से रिलेटेड हो। सभी परीक्षाओं में आपको मैथ से क्वेश्चन बनते हैं जो ट्रिक बेस्ड होते हैं, जिनको आपको इजीली फास्ट आपको सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल दबा करके उसको ऑल पर सेट कर दे, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस व ट्रिक रिलेटेड टू परसेंटेज। ये आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? परसेंटेज। इसका जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? परसेंटेज टॉपिक होगा, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस होंगे, प्रतिशत वाले कैसे बनाना देखते हैं। फर्स्ट नंबर है कीमत का 3/5 का अर्थ है। कीमत का 3/5 का अर्थ है यानी यहाँ पे मीन ऑफ 3/5 इज 20%, 40%, 60%, 80%। ये 4 ऑप्शंस है। तो दोस्तों, बहुत सिंपल वे में आपको करना क्या है कि 3/5 का अर्थ है यानी कि इस 3/5 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। और जब किसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो इजीली ये 5 से कट जाएगा। 5 × 2 = 10, 0, देन मल्टीप्लाई किया 20, 3 = 60, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 5000 का 12.5% है यानी कि 5000 रुपये का 12.5 यानी 12.5% है। ए 600, बी होगा 520, सी 620 एंड डी इज 625। हमें पता करना है कि ये 5000 का 12.5% कैसे फाइंड करें। तो सिंपल वे में आप 5000 का 12.5% निकालना है। तो 12.5 नीचे क्या आएगा? 100। पॉइंट हटाने से एक जीरो लग जाएगी, तो ये 3 जीरो आप यहाँ इजीली काट देते हैं। अब आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है 125 में, तो ये आ जाएगा 625। तो ये 625 आपका आंसर आ जाएगा, ₹625। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। 18 रुपीज 150 रुपीज का प्रतिशत है यानी कि यहाँ 18 रुपीज 150 रुपीज का कितने परसेंट के इक्वल है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 रुपीज है और 150 से आपको कैलकुलेट करना है, तो 150 नीचे आ जाता है, देन आपको मल्टीप्लाई कर देना है कितने से? 100 से। तो इजीली आप इसको यहाँ पर आप कट कर देते हैं और 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, अगेन 3 × 6 = 18, और 6 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 2 = 12, तो आपका आंसर होगा 12%। क्वेश्चन नंबर 4, एक उम्मीदवार को यहाँ पर 48% वोट मिले और 600 यहाँ पर 48 इतने उसे वोट मिले और वो कितने 624 वोट से हार गया। कुल वोटों की संख्या बताइए। समझ ले, यहाँ पर एक उम्मीदवार है जिसको 48% वोट प्राप्त हुए लेकिन फिर भी वो 624 वोट से हार गया है। तो वोट से कितने? 624 से। तो कुल कितने वोट डाले गए उनकी संख्या आपको पता करना है, टोटल वोट, नंबर ऑफ वोट कितने होंगे। तो यहाँ देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज तो 48% हारने वाला जो उम्मीदवार है उसको 48% मिले। तो सिंपल सी चीज है, 100% में 48% इसको मिला तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? 100 - 48 यानी कि 52%। अब आपको देखना है कि
ये 624 वोट से वो हारा और ये कौन एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले। तो आपको देखना है जीत और हार का परसेंटेज का डिफरेंस, क्योंकि जीतने वाला कितना होगा 100 माइनस 48 यानी कि 52 माइनस 48। तो डिफरेंस जो बनेगा वो होगा कितना 4%। तो हमें करना क्या है कि ये जो आपके वोट्स हैं नंबर ऑफ वोट्स वो 4% से जीता हुआ है जीतने वाला। तो यहां आपको करना क्या है 4% से जीता है तो 4% इज इक्वल टू होगा कितना 624 के। और जब 100% हम फाइंड आउट करते हैं तो 624 मल्टीप्लाई बाय 100 और नीचे आ जाएगा इसमें कितना 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो 4 बन जा 4 देन 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24 तो ये आ जाता है 156। अब चूंकि 156 में 2 0 आप बढ़ा देते हैं तो हो जाता है 15,600। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 15,600 यानी कि टोटल वोट कितने 15,600 वोट डाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 पैसे 25 रुपीज का प्रतिशत है तो ए नंबर ऑप्शन 0.2%, बी है 2%, सी होगा 0.02%, डी नंबर होगा 5%। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला यहां 50 पैसे ये रुपीज दिया है तो इसको सेम बनाना है। तो यहां पैसे रुपीज, रुपीज को पैसे में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि 50 यहां आपको जो दिया है इस तरीके से करेंगे कि ये 50 आपको ऊपर लेना है और नीचे आपको 25 रुपीज दिया है, इसको पैसे में कन्वर्ट कर देंगे तो 2500। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से तो 20 कट जाता है इससे। अब आपका इजीली आप बना लोगे कि 25 2 जा यानी कि 2 टाइम में कट गया तो ये आंसर जो आपका होगा वो होगा 2%। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक व्यक्ति की मासिक आय 8,000 रुपए है, 6,000 रुपए वो खर्च करता है तो बचत का प्रतिशत होगा। तो दोस्तों 8,000 रुपए में 6,000 अगर वो खर्च करता है तो सीधी सी बात कितने रुपए बचाता होगा तो वो बचाता है 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए की उसकी हुई बचत, जब 2,000 उसकी क्या सेविंग हुई और ये एक्सपेंसेज है टोटल इनकम 8,000। तो डिफरेंस जो होगा उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे हम तो यहाँ पर 2,000 रुपीज सेविंग अपॉन में टोटल इनकम और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो इजीली आप यहाँ 30 से 30 काट देते हैं, 2 के टेबल से 4 टाइम में कट जाता है 8 और 4 के टेबल से इसको काटते हैं तो 25%। तो आपका आंसर आ जाएगा ए नंबर 25%। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी संख्या के 40% को 42 में जोड़ने पर वही संख्या आती है तो वह संख्या क्या है। तो आपको देखो बहुत एलिमिनेट करके आप इसको आंसर निकालेंगे, यहाँ पर ऐसा नंबर देखना है जिसका 40% आप निकालें और 40% में 42 प्लस कर दें तो वही नंबर आना चाहिए जिसका आपको बोला है। सपोज हमने 120 लिया तो 40% पहले आप 10% बनाते तो एक जीरो हटा दी 12, ये 10% के इक्वल होगा और इसका 40% होगा कितना 12 4 जा 48। 48 में हम 42 प्लस करते हैं तो वो नंबर आता है कितना 50 प्लस 40 यानी कि 90। तो ये रॉन्ग होगा, ये ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया मींस हटा दिया है। सेकेंड नंबर को चेक करो, इसका 40% निकालोगे तो 10 हटाया तो बचा क्या, ये 10% और इसका 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 60 प्लस 42 तो ये आएगा आपका 102। यहां भी आपका सेम नंबर नहीं आया मींस ये भी आपका आंसर रॉन्ग है। 70 का 10% निकालते हैं तो 10 हटा दे तो अपना 10% आया 7, इसका 4 टाइम किया 7 4 जा 28 में यदि आप 42 प्लस करते हैं तो ये आपका 28 प्लस 42 तो आपका ये हो जाता है दोस्तों 70
यानी कि सेम नंबर आ गया तो यही आपका आंसर होगा। आगे आप इसको भी चेक कर सकते हैं, तो इसको अगर चेक करते हैं तो इसका 10.5 आपका कितना 10% होगा, और 4 टाइम चाहिए तो सिंपल सा है, 4 टाइम में आपका नंबर 42 करोगे तो ये 84 होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 80 में से 64 छात्र पास हुए, फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत होगा। फर्स्ट ए ऑप्शन है 20%, बी होगा 60%, सी ऑप्शन है 80% और लास्ट डी होगा 75%। तो राइट आंसर फाइंड करने के लिए सिंपल सा है कि इसमें परीक्षा में 80 में से 64 विद्यार्थी यानी 64 स्टूडेंट्स पास हुए, तो फेल कितने हुए, तो इससे आप 64 को माइनस करते हैं तो फेल होने वाले स्टूडेंट्स होंगे 60। अब चूंकि टोटल स्टूडेंट्स को नीचे लिखा देन मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो आपको फेल स्टूडेंट्स का नंबर पता लग जाएगा। पहले तो आपने 0 फिर 8 से कट किया, 8 टू जा 16 देन 10 टू जा 20, तो 20% इज योर राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। और दोस्तों यदि आप कहते हैं तो मैं इससे अभी आने वाली कॉन्स्टेबल के एग्जाम से रिलेटेड भी वीडियो डाल देता हूँ, यदि आप मुझे बताते हैं तो, जो भी टॉपिक हो टॉपिक आप बता दें एक बार, मैं बना दूंगा। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।